गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साय राम अस्सलामुअलैकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सिरबी, आपकी सिरबी आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ पेबल एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग देकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई कैसे जाने वाले हैं आपके नेक्स्ट 72 आवर्स। आप क्या रिसीव करने वाले हो, क्या फेस करने वाले हो, क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन का कोई रिजल्ट, तो जो भी होगा आज की रीडिंग में हम देखेंगे। तो क्योंकि ये पिक अपेबल रीडिंग है तो पेबल्स मैं आपके सामने रख देती हूं और ग्रुप्स आप देख सकते हो टाइम स्टैम्प पर। तो यहां से मैं तीन पेबल्स निकालूंगी। ये है मून स्टोन एंड अगला रहेगा आपका ग्रीन जेट एंड थर्ड ऑप्शन इज रेड जैस्पर। तो ये रहे आपके ऑप्शंस, इनमें से एक पेबल आपने सिलेक्ट करना है इंटेटिवली और फिर देखनी है आपको आपकी रीडिंग। आप चाहें तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो। आपके नेम का इनिशियल आप देखिएगा किस ग्रुप में आता है, उसकी रीडिंग आपने देख लेनी है उसी ग्रुप की। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे देखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं वो चाहे तो मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डेट्स मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो आप मेल कर लें। इसके अलावा कुछ जानकारी चाहिए रीडिंग्स से हटकर तो वो भी आपको मेल पर ही मिल जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है तुरंत आपको रिप्लाई नहीं मिले क्योंकि काफी सारे मेल्स होते हैं तो सभी के मैसेजेस पर रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा वेट करें लेकिन आपको मेल का रिप्लाई मिलेगा जरूर, ठीक है। और राइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। आई एम श्योर आपने एक पेबल सिलेक्ट कर लिया होगा। शुरू करते हैं। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी मून स्टोन को चूज किया है चलिए देखते हैं भाई क्या कुछ निकल कर आते हैं आपके लिए। सो रीडिंग मैं कैसे करने वाली हूं, पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी, ओके, देखूंगी कि क्या चल रहा है आपके जीवन में और देखिएगा आपसे कितना रेजोनेट होता है एंड देन हम फिर नेक्स्ट 72 आवर्स का रीडिंग करेंगे। सो क्या हो जाएगा कि आप रिलेट कर पाओगे फिर रीडिंग के साथ, है ना। ये आपकी ही है अगर ये रेजोनेट हो जाता है करेंटली जो भी चल रहा है, जो एनर्जी है आपकी उसके हिसाब से। तो यहां पर दो कार्ड्स आए हैं, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ सेकेंड चक्र, ओके, द थिंकिंग वुमन। ओके, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, तो कुछ चेंजेस हैं जिनको आप अभी फेस कर रहे हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये आपकी एनर्जी है कुछ दो से तीन महीने पहले की, और दो से तीन महीने पहले की नहीं, आई मीन है तो ये काफी पुराने एनर्जी जहां पर आप कुछ ऐसे हो कि लाइक चीजें आपको बॉदर नहीं करती, आपने बहुत कुछ लाइफ में देखा, बहुत कुछ सीखा और उसके बाद आप काफी मजबूत बन चुके हो। अभी ऐसा है कि आपको ये लगता होगा और ऐसा है भी कि कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ आपको झुका नहीं सकती या आपके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती। अब मैंने कहा ना कि काफी मजबूत हो आप, तो ये हो सकता है दो से तीन साल तक की एनर्जी हो, लाइक उससे पहले तो नहीं थी। दो से तीन साल में आप इस तरीके से बनकर तैयार हुए हो और अभी दो से तीन महीने पहले तक ये काफी ज्यादा लाइक इस एनर्जी में आप रहे, एक्टिव रही, लेकिन हाल फिलहाल में बिल्कुल अभी इस एनर्जी में हो, जो कि ये जो एनर्जी है ये है अबाउट कंपैशन, लव,
जब आपको किसी की जरूरत होती है, आपको लगता है कि कोई हो आपकी लाइफ में जो आपको सुने और आपसे कुछ कहे, जब आपको जरूरत हो जाती है किसी के लगाव की, किसी के वो स्पेशल टच जो होता है, अब टच से मेरा मतलब आप कुछ और मत सोच लेना, टच से मेरा मतलब है जब कभी हम बहुत दुखी होते हैं और हमें कोई हल्के से हमारे सिर पर हाथ फेर देता है, तो उतना ही काफी होता है हमें हील होने के लिए, राइट? तो उस उन चीजों की हाल फिलहाल में आपको जरूरत महसूस हो रही है. अब ये क्यों हो रही है वो आपको पता होगा, मे बी अभी कुछ ऐसा हुआ हो जिसके चलते आपको लग रहा है कि एक हम कहने लगते हैं ना कि अरे हम भी इंसान हैं, हमें भी ये सारी चीजें चाहिए, तो वो हो रहा है यहाँ पर. कुछ तो चेंज हुआ है, यहां से सीधा आप यहां आए हो. फायर एनर्जी है और ये इमोशंस की बात करता है. ओके, तो ये बदलाव हुआ है. एंड देन द थिंकिंग वुमेन, तो ये जो बदलाव है ये आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आप हो क्या एग्जैक्टली. क्योंकि जब आप इस एनर्जी में थे तब आपको लगता था कि आप यही हो, यहीं पर आपको पहुंचना था, इसलिए इतना स्ट्रगल आपने किया लाइफ में. अभी जब इस एनर्जी में हो तो आपको लग रहा है कि अगर ये आप हो तो ये क्या था, राइट? तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो और थोड़ा सा आपको अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आपको खुद को समझने का मौका मिल रहा है, पता चल रहा है कि आपको क्या चाहिए. लेकिन इस सब के चलते आपका ज्यादा टाइम सोचने में, समझने में, ऑब्जर्व करने में जा रहा है. मुझे नहीं पता कि आपका काम कैसे चल रहा होगा, क्योंकि इतना तो तय है कि आप कोई तो जॉब या बिजनेस करते हो, क्योंकि आप उनमें से नहीं हो जो कुछ नहीं करें. काफी इंटेलिजेंट हो, क्रिएटिव हो, तो कुछ ना करने वालों में से तो आप नहीं हो. लेकिन ये जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो बटरफ्लाइज हैं, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको अपने गोल्स से हटाने की कोशिश कर रहा है और कुछ एक आपको बहुत ज्यादा बिजी रख रहा है. आपको खुद को समझने और जानने के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे मतलब मैंने जो सोचा था वो नहीं था, अभी कुछ और भी है जो मुझे देखना है. ऑलराइट, तो ये करंट एनर्जी मुझे आपकी लग रही है. आप मुझे बताइएगा कि कितना कुछ आपसे रेजोनेट हो रहा है. अब देख लेते हैं आगे और क्या है करेंटली. यू हैव सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो किसी से आप डिस्कस नहीं कर रहे हो इस बारे में. आपने आपके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी फेस कर रहे हो, वो आपने खुद तक ही रखा हुआ है, किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते. और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाती है तो आई थिंक आपको काफी रिलीफ मिलेगा, बिकॉज यहां से जो गाइडेंस मिलेगा वो हेल्प करने वाला है आपको. अब क्योंकि आप किसी और से बात नहीं कर पा रहे थे तो मुश्किल था, अभी यहां पर सब कुछ लाइक चीजें क्लियर हैं तो ये आपको आराम देगा. तो हाँ, मुझे अभी भी वही एनर्जी नजर आ रही है. कंफ्यूज हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इससे भाग रहे हैं, भागना नहीं चाहते. आप कभी भागे भी नहीं प्रॉब्लम से, तो भागना नहीं चाहते, इसको समझ कर इसके लिए फाइट करना चाहते हो आप, और आप इस चेंज को भी अपनी मजबूती बनाना चाहते हो, ये मैं देख रही हूं. यस, सो ये चल रहा है करंटली आपकी लाइफ में. अब ये किसी रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कोई इंसिडेंट हुआ हो जिसके चलते आप यहां से यहां आए, तो रिलेशनशिप भी हो सकता है, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर हो सकता है, मे बी आपके करियर को लेकर हो सकता है. लेकिन ये जो भी चेंज आया है आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हो. तो लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या देख सकते हो. ओके, तो मैं ये वाला डेक निकालूंगी. अब यहां से देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे दिखने वाले हैं. सेवन ऑफ कप्स अगेन. ओके, हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स,
एसेस हैं एंड एज ऑफ पेंटिकल्स. ओके ऑल राइट. तो यस, ये आपकी अवेकनिंग है गाइस, और यहां पर जजमेंट भी है आपके लिए. यूनिवर्स ये चाहती है कि आप अपने इस साइड को समझें, और सिर्फ इसको ही नहीं, और भी बहुत कुछ है जो आपको समझना है, जो धीरे 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 करके आपके सामने खुलेगा. जैसे कि मैंने कहा कि पहले आप फायर एनर्जी में थे, फायर एलिमेंट था, अब यहां पर वाटर एलिमेंट है. देन यूनिवर्स ये चाहती है कि आप अपने अर्थ एलिमेंट, इस अर्थी एनर्जी को भी समझें. हमारे अंदर ये सारे एलिमेंट्स होते ही हैं, लेकिन इनको, इनमें समानता बनाए रखना या इनके बीच संतुलन बनाए रखना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है. जो लोग ये बना लेते हैं वही लोग आप कह सकते हो कि खुश हैं अपनी लाइफ से, सक्सेसफुल हैं. ओके, अब खुश रहने से या सक्सेसफुल रहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि ढेर सारा पैसा है या सब कुछ हेल्दी एंड वेल्दी है. नहीं, उनके पास जो है उससे वो संतुष्ट हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनके पास वही होना था, रीजन था उसका, राइट. मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो कि आप लोग कहते हो ना कि जो लोग कुंडालिनी जागृत कर लेते हैं वो लोग खुश रहते हैं, कभी दुखी नहीं रहते. तो क्या जो कुंडालिनी जागृत करते हैं उनके पास बहुत रुपया पैसा आ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है. उनको सच दिखने लग जाता है एंड दैट्स वाई वो हैप्पी रहते हैं. तो वही वही में भी आप ये चाहते थे, आपने ये मैनिफेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पर विद सेवन ऑफ कप्स जजमेंट है. तो मे भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे कहाँ सच्ची खुशी मिलेगी, या मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं क्यों आई, कैसे करके आई, एग्जैक्टली क्या चीज है जो मुझे ट्रिगर करती है, क्या चीज है जो मुझे संतुष्ट करेगी. तो आपकी वो जो मैनिफेस्टेशन है उसका रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स. आप देख सकते हो यहां पर इस कार्ड में इस लड़की के क्राउन चक्रा को एक्टिवेट होते हुए. ओके, सो कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग हो रही है धीरे धीरे करके. जो भी आपके सेवन चक्रास थे उस पर या तो आपने काम किया है या फिर ऑटोमेटिकली ये हुआ है. कुछ लोगों के साथ होता है बाय बर्थ ही, धीरे धीरे करके उनके जो भी चक्रास हैं वो क्लींज हो जाते हैं, एंड जो बैलेंस होना चाहिए उनके बीच वो बनते चला जाता है. तो यस, यहां पर सेकंड चक्रा है एंड देन यहां पर आपके क्राउन चक्रा की बात हो रही है. तो धीरे धीरे करके आपको समझ आएगा कि आप एग्जैक्टली हो क्या, आपको क्या चाहिए. जैसे कई सारे लोग हैं बोलते हैं हमें रिलेशनशिप चाहिए, हम तब खुश हो पाएंगे. कुछ कहते हैं हमें ढेर सारा पैसा चाहिए, कुछ कहते हैं हेल्थ चाहिए, कुछ कुछ बोलते हैं, कई सारे लोगों की कई डिमांड्स. तो वो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए. ओके, ये नेक्स्ट 72 आवर्स में आप देख सकते हो. शुरुआत में, यानी कि अभी ये रीडिंग देखने के बाद भी हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो, बट जैसे ही नेक्स्ट 72 आवर्स, जैसे ही 72 घंटे होंगे, आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी. यस, और देख लेते हैं क्या है. मिरेकल्स. और यहां पर रेनबो है. ओके, तो मिरेकल्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में. अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है आपको लग रहा हो अरे ऐसा कुछ नहीं होता, अरे ये तो बोल रही है तो संभव ही नहीं है. तो आप देखिएगा देखिएगा कि क्या चमत्कार होते हैं एंड सक्सेस. ऑल राइट, तो ये आपको मिलने वाला है, मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में. एंड यहां पर है बॉटम ऑफ द डेक फ्रीडम. तो ये हम सभी को चाहिए, और ये काफी मायने रखती है. हम कहें कितना भी कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, बट हम सभी फ्रीडम चाहते हैं, और ये हमें तभी मिलता है जब हम अपने आप को अच्छे से समझ जाते हैं. पता है कई बार ऐसा होता है कि हम बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन हम बंध जाते हैं. ये हमारे दिमाग से होता है. हमें लगता है कि लोगों ने हमें पकड़ कर रखा है, और जो नियम बनाए गए हैं, जो परंपराएं बनाई गई हैं, उन्होंने हमें बांध कर रखा है. लेकिन सच ये होता है हम खुद ही खुद को बांध लेते हैं, और यही चीज आपको समझ आएगी नेक्स्ट 72 आवर्स में. रिकवरी एंड यस, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको मिले इस दौरान, जो कि आपसे एज में काफी ज्यादा हो सकता है, मे बी 10 या 12 साल बड़ा. तो ये व्यक्ति कुछ चेंजेस लेकर आएगा आपके जीवन में. ये कुछ लोगों के लिए संदेश है. ये कोई ग्रुप हो सकता है,
कोई कम्युनिटी जिनसे कि आप जुड़े, तो वो आपको क्लैरिटी देंगे और उसके बाद चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। आपके अंदर किसी तरीके का डर है तो वो निकल जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं उनको लेकर आप थोड़े से डरे हुए हो, एंजाइटी है, लेकिन ये डर निकल जाएगा क्योंकि वो आपको जो सलाह देंगे वो ऐसी होगी कि आपका काम भी बनेगा और अगर आपको आपकी इमेज की परवाह है तो वो भी नहीं बिगड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। टाइम फॉर हीलिंग, तो ये आपकी हीलिंग का टाइम है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, मुश्किल से आई थिंक 1-2 घंटे भी नहीं, आप जस्ट रीडिंग देख कर जाओगे ना और ये चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा होगा। यस, तो ये आप रिसीव कर रहे हैं। कुछ और भी मैं देख लेती हूँ कि कहाँ से क्या रिसीव कर रहे हो आप। जस्ट अ मिनट, यहां से देख लेते हैं इन कार्ड से क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। फीडर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम ईविल, क्राउन विल बी योर्स, विजडम। ओके, तो ये आप रिसीव कर सकते हैं, वो तो मुझे लग ही रहा था आपके लिए। रैबिट, ओवरकमिंग फियर, जो कि मैंने आपको बोला, मैंने कहा ना कि कोई तो है जो डरा हुआ है। फर्टिलिटी एंड प्रोजेक्ट विल मूव अहेड। व्हाट एल्स? ओम, गॉड इज विद यू एंड गाइडिंग यू, तो भगवान आपको गाइड भी करेंगे और उनकी ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ, और जो भी आपको रिवार्ड मिलना है वो मिलेगा। एंड आपसे कहा गया है कि आप फेथ रखें, पॉजिटिव रहें, अफर्मेशंस चैंट करें, इससे काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। एंड अगेन यहाँ पर रेनबो है, तो आप खुशियां अट्रैक्ट कर रहे हैं, गुड न्यूज आपको मिलेगी, इंट्यूशन भी आपकी काफी ज्यादा शार्प आपको लगेगा कि हो रही है, फेवरेबल चेंजेस होंगे, एडवेंचर होगा, तो सब कुछ आप एंजॉय करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने चूज किया है ग्रीन जेट पेबल को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ है। तो रीडिंग मैं कैसे करने वाली हूँ, अभी देखूंगी करेंटली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, किस एनर्जी में आप हैं, तो एनर्जी ओरेकल कार्ड्स मैं यूज कर रही हूँ। ओके, और फिर आगे की रीडिंग करते जाएंगे, देखते जाएंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हो। सेकेंड चक्रा, आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आई मीन, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे। कॉर्नोकॉपिया नंबर 11, और यहां पर आता है फोर्थ चक्रा, सेकेंड चक्रा, फोर्थ चक्रा। ओके, एंड आर्कएंजल माइकल। ओके, तो आपका जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक हो रहा है, क्लींज हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है मैं कहूंगी, और इसकी वजह से जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं वो काफी ज्यादा सुंदर हैं, क्योंकि यहां पर कॉर्नोकॉपिया है। उसकी वजह से मे भी अभी हाल फिलहाल में ऐसा हो रहा हो कि हर एक वो चीज जो शायद आपको कभी अच्छी भी नहीं लगती थी, अब वो अच्छी लग रही है, और जो अच्छा लगता था वो तो लगेगा ही अच्छा। आप कुछ नया करने का सोच रहे हो, कुछ क्रिएटिव, आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपने अबंडेंस को अट्रैक्ट कर लिया है। एक अननोन सी फीलिंग है जिसको आप समझ तो नहीं पा रहे, लेकिन समझना चाहते जरूर हो। इसको लेकर मैं देख रही हूं कि आप पहले थोड़े से कंफ्यूज्ड भी थे कि ये
लाइक ये अट्रैक्शन है या फिर ये लव है, लेकिन अभी धीरे धीरे करके आपको क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ दोनों ही है. तो ये किसको लेकर है, मैं देखना चाहूंगी किसको लेकर है ये. आई थिंक दिस इज यू और ये कोई और है, ये आपकी एनर्जी नहीं है. किसी की बातों ने या किसी के एक्शंस ने तो कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप वो फील कर रहे हो जो शायद बहुत पहले ही आपने फील करना बंद कर दिया. मैं भी आपको लगता हो कि अब तो ये हो ही नहीं सकता कि आप किसी के लिए फीलिंग्स पैदा करें या फिर आप लव और रिलेशनशिप के बारे में सोचें, लेकिन यहां से कुछ तो हुआ है, कुछ तो किया गया है. ओके, तो देखते हैं क्या है ये, किसके बारे में है एग्जैक्टली, कंफर्म कर लेते हैं. आहा, द लवर्स, मैंने पहले ही बोला था. तो ये किसी रिलेशनशिप को लेकर है, किसी कनेक्शन को लेकर है मुझे लगा ही. एंड यहाँ पर 11 है और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए माना जाता है. लवर्स का कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन यू हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. ये जो भी है ये काफी स्टेबल है एंड ये आपको इनसिक्योर फील नहीं करवा रहा. ये जो मैंने देखा कि चेंजेस हैं, आप इनको थोड़ा समझने में, इनको गलत आपसे आप थोड़े परेशान हो रहे हो, या फिर कहूं कि आप कंफ्यूज हो कि इस फीलिंग को जीना चाहिए या फिर नहीं जीना चाहिए, इस चेंज को जीना चाहिए या फिर नहीं जीना चाहिए. वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी कंडीशनिंग हो रखी है, जितने भी साल आप रहे हो इस तरीके से कि हाँ आपको किसी के साथ नहीं जाना, किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं आना, प्यार तो करना ही नहीं है, देखो ये आपने सोच कर रखा था. तो अब जब वो चीजें आपको मिल रही हैं तो आप उसके साथ में कैसे एडजस्ट करना है वो समझ नहीं पा रहे, या कैसे खुद को कैसे उसको वेलकम करना है वो समझ नहीं पा रहे. लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको धोखा मिलेगा या आपके साथ बुरा कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी ये व्यक्ति है उसने आपको श्योर कराया हुआ है कि वो ऐसा नहीं है, और आपकी इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं कहती है कि वो व्यक्ति बुरा नहीं है. तो ये चल रहा है आपके जीवन में. बट यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है. थर्ड पार्टी सिचुएशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई और पार्टनर होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, उनका काम या फिर उनकी पोजीशन या फिर फैमिली, है ना, कुछ भी हो सकता है जिसको लेकर आपको लगता है कि थोड़ा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. तो ये एक रीजन हो सकता है जिसके चलते आप थोड़े से परेशान हो कि अरे फिर से मेहनत करें, फिर से आप इस पर काम करें. तो ऐसा है. तो देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या है आपके लिए. इस कनेक्शन को लेकर ही आई थिंक आप रीडिंग देख रहे थे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको क्या देखने को मिल सकता है. तो लेट्स सी. ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, देन यू हैव थ्री ऑफ कप्स अगेन, जो कि मैंने आपको बोला था आई थिंक. ओके, वहां पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स था, यहां पर थ्री ऑफ कप्स है. तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, एस ऑफ कप्स देन यू हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स. इसी को लेकर परेशान है आप लोग. ओके, दो कार्ड्स आ रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, हरमेट, हाई प्रिस्टेस. देखिए आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है इस कनेक्शन में. सामने वाले ने आपको प्रपोज किया है, सामने वाले ने अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करी हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में, आपके साथ में कुछ इश्यू नहीं है. ओके, तो देखिए नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे कुछ खास चेंजेस नजर नहीं आ रहे. जो थर्ड पार्टी है, जो भी इशू है आप दोनों के बीच में, वो इशू रहने वाला है. बस इतना है कि
जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, जिन्होंने भी आपको प्रपोज किया है ना, वो एक्शन जरूर लेंगे, ठीक है। अब ये आपको बताया नहीं जाएगा, ये हिडन रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। अगर इस कनेक्शन को लेकर आप परेशान हैं, इस थर्ड पार्टी को लेकर परेशान हैं, तो इस थर्ड पार्टी के लिए क्या करना है, आपके पास आने के लिए क्या करना है, इस सब के बारे में जो भी ये है, जो भी ये पर्सन है आपके जीवन में, वो एक्शन लेगा लेकिन आपको बताएगा नहीं। तो कृपया करके उसके पास जाकर आप पूछें भी नहीं, क्योंकि फिर बात बिगड़ जाएगी। वो अपने तरीके से हैंडल करेंगे और वो आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, या फिर वो लड़ाई आपकी नहीं है। आपसे हो भी पाएगा, लेकिन जब वो लड़ाई आपकी है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे उसमें, राइट? तो आपको बताया नहीं जाएगा। तो ऐसे नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं कुछ चेंजेस आपके जीवन में होते हुए तो नहीं देख रही, लेकिन हाँ, सिचुएशन में सुधार होगा सामने वाले की तरफ से, सामने वाला कुछ करेगा, यहां पर आपके करने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए ऐसे ही रहेंगे, जैसे आज का दिन है वैसे ही नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए रहने वाले हैं, लेकिन आपके इस कनेक्शन पर काम किया जाएगा, दूसरा व्यक्ति जो है वो करेगा, लेकिन आपको बताया नहीं जाएगा। तो ये एक तरीके से बिहाइंड द सीन हो गया कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। तो बिहाइंड द सीन चीजें हैं, चेंजेस हैं, बदलाव है। जो रुकावट आपको लग रही है, लाइक स्टक सी एनर्जी है, तो वो स्टक सी एनर्जी आपके लिए रहने वाली है, लेकिन उस पर काम हो रहा होगा, अगर आप समझ पा रहे हो जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूं, ओके? लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में बड़े चेंजेस हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। आप अभी जैसे हो, जैसे ओवरथिंक कर रहे हो या परेशान हो, आप ऐसे ही रहने वाले हो, लेकिन पीछे पीछे काम चल रहा होगा, जो दूसरा व्यक्ति है वो करेगा, ओके? ये बड़ा ही अलग सा रीडिंग आया है आपके लिए। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो एक तरीके से वही हो गया कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, जो मैंने एक टॉपिक डाला था ना कि यूनिवर्स आपके लिए क्या तैयार कर रही है, तो वो हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट 72 आवर्स में एनर्जी में जो चेंजेस हैं वो आपके लिए नहीं है, लेकिन आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए है, ओके? फूल, 10 of Swords एंड King of Cups, एग्जैक्टली। आपको यहां पर इसलिए कुछ नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये जो हैं, जिनसे भी आप जुड़े हुए हो, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको ये सब कुछ बताएंगे, आप बहुत इमोशनल हो, आप दुखी हो जाओगे और कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैं भी आपकी आदत हो रोने की कोई समस्या हुई तो आप रो देते हो, तो वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो वो खुद से ही हैंडल करने वाले हैं। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, किसी कनेक्शन में हो, डोंट वरी, वो हैंडल कर लिया जाएगा। और ये नेक्स्ट 72 आवर्स में बड़े चेंजेस होंगे, बट आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है? ऐसा है यहां पर, ये यूनिवर्स आपको बता रही है। तो ये आपको रिलैक्स करने के लिए है, ये रीडिंग सिर्फ आप आई थिंक इसीलिए देख रहे हो, यूनिवर्स आपको दिखा रही है कि आप परेशान होना बंद कर दें, क्योंकि चीजें चल रही हैं, यूनिवर्स काम कर रही है इस पर। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्टक है ना जी। यस, द ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जैसे कि मैंने कहा, आप काफी ज्यादा इमोशनल हैं, इसलिए आपको इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है। यूनिवर्स भी नहीं चाहती है कि आप इन्वॉल्व होएं, आप बस मैनिफेस्ट करें और सरेंडर कर दें। बाकी का जो प्रैक्टिकल प्लानिंग है वो आपके पार्टनर करेंगे, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, न्यू बिगनिंग्स, ठीक है? तो नई शुरुआत होने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में, एंड टेकिंग रिस्क, जो कि मैंने आपको बोला, और ये रिस्क ही है, सामने वाले के लिए रिस्क ही है, लेकिन आपके लिए लिया जा रहा है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में बड़े चेंजेस हैं आपके कनेक्शन में, आपकी पर्सनल लाइफ में, लेकिन आप को वो पता नहीं लगेंगे, हलचल नहीं होगी, ये पीछे से हो रहा होगा, ठीक है? जॉय, सनफ्लावर, इम्पेशन, ठीक है? तो आप धैर्य रखें डिस्कवरी, और आप अपना सोल पर्पस पूरा करें, बाकी की जो भी चीजें हैं वो सामने वाला देखेगा। थोड़ा धैर्यवान बने, बस यही कहूंगी। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये आज बहुत ही अलग सी रीडिंग आई है, मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, अगर आपसे करता है मुझे जरूर बताएं। 7 Horses, गुड थिंग्स टू, ओके, लीडिंग द पैथ, ब्लेसिंग्स ऑफ सन गॉड। अगर पॉसिबल हो तो सूर्य भगवान को आप जल देना शुरू करो, ओके? जो भी डर है उससे आप बाहर निकलेंगे, फर्टिलिटी एंड जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ेगा, अटका नहीं रहेगा कुछ भी, हेल्थ आपकी अच्छी होगी, गुड लक काम करने वाला है, समथिंग न्यू, कुछ नया आप रिसीव करने वाले हैं या शुरू करने वाले हैं। और आपको ये भी बोला गया है कि बिल्कुल सही रास्ते पर हो, जो कर रहे हो वही करो,
ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है रेड जेस्पर को तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। तो रीडिंग मैं कुछ इस तरीके से करूंगी कि आपकी करंट एनर्जी पहले तो मैं चेक करूंगी क्या अभी चल रहा है आपके जीवन में, ब्लर है क्या, ओके okay, और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स की क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या आप रिसीव करने वाले हैं। चलिए Healer of the ages, man holding a heart, sixth chakra, you are manifesting a true love, okay, daughter spirit, अपने true soulmate को आप manifest कर रहे हैं next 72 hours, तो आने वाले 72 घंटों में या तो आपकी मीटिंग होगी इनसे। ऑलरेडी अगर आप इनको जानते हो तो इनसे बात हो सकती है, अगर बात नहीं हो रही है इतने दिनों से। रिकंसिलिएशन हो सकता है, यूनियन हो सकता है, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, यस। और आपके कनेक्शन से जुड़ी जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए वो आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में मिल जाएगी। आप तो पूरी तरीके से तैयार बैठे हो। कि जैसे ही आपका सोलमेट आपको मिलता है आप बस लेकर उड़ जाओगे, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। फोर ऑफ वैंस, मैंने वही कहा, फोर ऑफ वैंस है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स, ओके, द लवर्स, ऑलराइट, एंड फोर ऑफ सोल्स, ओके। तो अगर आप किसी को पसंद करते हो, किसी के साथ में शादी करने का सोच रहे हो, तो ये बात आगे बढ़ जाएगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। हो सकता है आप कई लोगों से बात कर लें सामने से, ओके, कुछ लोगों के लिए ये मिरेकल हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, और पता चलता है कि सामने वाला ही आ गया आपके पास, तो ये कुछ लोगों के साथ हो सकता है और बेशक ये मिरेकल होगा। एंड अगर आप सामने से किसी का वेट कर रहे हो तो हाँ, उनकी तरफ से प्रपोजल आ सकता है, उनके घर वाले आपसे बात कर सकते हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, या आपके क्रश हैं अगर तो ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी आप कमिटेड हो तो ये एंगेजमेंट या शादी तक बात जा सकती है, यानी कि चीजें आगे बढ़ रही हैं इन अ पॉजिटिव वे। और यहां पर एट ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि दिखाता है कि अब और ज्यादा आपको इस कनेक्शन पर मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी एंड कमिटमेंट है यहां पर, तो देना भी है और लेना भी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि ये सब कुछ चल ही रहा है, क्योंकि मैं करंट एनर्जी चेक कर रही हूं और वहां पर फ्यूचर के भी मैसेजेस आ रहे हैं, तो करेंटली भी हो सकता है सब कुछ चल रहा है। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स का भी अब हम देख लेते हैं कि क्या है। तो आपकी विशेष जो भी है आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई वो सारी पूरी हो रही है। आप अगर एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो मिलने के चांसेस हैं। अगर 2 से 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने तो वहां पर भी आप डिसाइड कर पाओगे कि किसके साथ आपने जाना है। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए आई हुई है। 7 ऑफ वैंस, 2 ऑफ वैंस, देन यू हैव टावर, देन यू हैव मून, एंड देन यू हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स था आपके लिए, ओके। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं देख रही हूं आप थोड़े से डरे हुए हो। ये सब कुछ आपके पास है, उसके बाद भी आप डरे हुए हो, या फिर मैं कहूं कि ये सब कुछ आपके पास है इसलिए आपको डर लग रहा है कि ये आपके पास रहेगा या फिर नहीं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसे कुछ लाइक
ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ आपका डर है, आपका वहम है जो हो सकता है आप पर हावी हो जाए जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं किसी के लिए, या ढेर सारी खुशियां हमें मिल जाती हैं जो जिनको लेकर हम एक टाइम के बाद ये सोच लेते हैं कि शायद ये चीजें हमें मिलेंगी ही नहीं। एक हो जाता है ना, लगातार आपका ब्रेकअप हो रहा है, लगातार आपको ऐसे ही ऐसा ही पार्टनर मिल रहा है जो आपको समझता नहीं है, या अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जाते हो तो ऐसे ही रिश्ते आपको मिल रहे हैं जहां पर कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो हम फिर सोच लेते हैं कि लगता है हमारी शादी होनी नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही मुझे मेरी एक क्लाइंट का मैसेज आया था कि दी शादी लिखी भी है या फिर नहीं, मुझे तो लगता है होनी ही नहीं है, तो जैसा है आप मुझे बता दो। तो इस तरीके से बोल रही थी, काफी ज्यादा निराश थी। तो जब खुशियां नहीं मिलती हैं लगातार और फिर एकदम से इतनी सारी मिलती हैं तो डर हमारे अंदर पैदा हो जाता है। तो वही चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, थोड़े पॉजिटिव भी हो रहे हो जो है आपके पास उसके लिए। तो मैं आपसे कहूंगी कि इस वाली एनर्जी में आप लोग प्लीज ना जाएं, क्योंकि इससे आउटकम चेंज हो जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इट्स ऑल अबाउट लव इमोशंस सेलिब्रेशन। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि एंडिंग की बात करती है किंग ऑफ कप्स। मे बी जिनके साथ में अभी आप रिलेशनशिप में हो, मे बी जो आपको मिलने वाले हैं वो थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, थोड़ा उनको फीलिंग्स अपनी बतानी या दिखानी नहीं आती, तो उसकी वजह से मे बी आपको ये लगे कि पता नहीं पसंद करता भी है करती भी है या फिर नहीं, केयर है भी या नहीं, ऐसे दिखाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस अट्रैक्शन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मजबूरी है, इस तरीके के ख्याल आपको आ सकते हैं। तो यही नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी खुद की खिचड़ी पकाई हुई है, ऐसा है नहीं। जिनके साथ में भी आपका रिश्ता पक्का हो रहा है वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं, स्टेबल फ्यूचर देखते हैं। अभी आप कुछ भी सोचोगे तो क्या कर सकते हैं ठीक है ना, उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आप अपनी तरफ से सोच रहे हो। और मैं देख रही हूं कि आपकी एनर्जी लो हो रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ऐसा मत करिए। और पास्ट के साथ में कभी भी प्रेजेंट को कंपेयर ना किया करें आप लोग, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, नहीं करें ये चीज, ठीक है। गॉसिप ये तब भी होता है जब हम किसी टॉपिक पर कई सारे लोगों से बात करते हैं, ये तब भी हो जाता है। तो कुछ लोगों से बात करो, वो लोग जो काफी अच्छे से आपको समझते हो, सिचुएशन को समझते हो, मेच्योर हो, ठीक है ना। मिरेकल्स, और ये मिरेकल की मैं बात कर रही थी अभी आपसे। यस, कहीं ना कहीं आपने अपने पास्ट को होल्ड करके रखा है और आप उसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं अपने प्रेजेंट को, जो कि नहीं करना चाहिए, बेवकूफी है, मत करो इसे इस तरीके से, ठीक है ना। खुशियां आपको मिल रही हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, अगर अरेंज मैरिज का सीन है, अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो वो मिलेगा, लव मैरिज अगर आप चाहते हैं तो आपको पार्टनर मिल रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। चीजें बहुत ही सुंदर हैं, उनको बिगाड़े नहीं, आपसे मैं यही कहूंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके एक्स हों जो वापस आए, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो रिश्ता आपका था किसी के साथ पहले, जिसको आप अभी तक याद करते हैं, वैसा ही रिश्ता आपको ये मिल जाए नए रूप में। क्वीन ऑफ वेंस की एनर्जी है यहाँ पर, 8 ऑफ वेंस है यहाँ पर। तो ये सिर्फ इसलिए आपको मिल रहा है रिश्ता क्योंकि आप क्वीन ऑफ वेंस की एनर्जी में रहे हो, आपने खुद पर काम किया, आपने अपने डर पर काम किया और आप फिर ये बनकर निखर कर सामने आए, तो आपने किसी को अट्रैक्ट किया। अभी आप वापस से अगर पहली वाली एनर्जी में जाओगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हैं, आप अपना सोलमेट रिसीव करने वाले हैं, कंग्रेचुलेशंस। और ओवर थिंक ना करें, डर को पैदा ना होने दें या आपके घर मन में घर ना करने दें, अच्छा होगा। फ्लो, गो विद द फ्लो, जैसी चल रही है ना जी उसके साथ वैसे ही आगे बढ़ते जाएं। मिरेकल्स का फिर से कार्ड है आपके लिए, ट्रस्ट करिएगा, खुद पर ट्रस्ट करिए एंड अपने ड्रीम्स पर ट्रस्ट करिए कई बार ऐसी चीजें आपको मिल जाती हैं जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए मदर यूनिवर्स को, राइट। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ये भी आपका गोल था, तो आप बहुत जल्द इसको पाने वाले हो। कंक्लूजन आर विद इन रीच, सरेंडर टू द डिवाइन, लक इज ऑन योर साइड, व्हाट एल्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ये आप रिसीव करने वाले हो। लिब्रन एंड सेजिटेरियस, फायरी एनर्जी है यहाँ पर, एंड हो सकता है यहाँ कोई एयर साइन का भी हो, क्योंकि लिब्रन एनर्जी भी मुझे दिखाई दी। आपको मिलने वाला है ओवरकमिंग फियर, किसी भी तरीके का डर है तो निकल जाएगा, फर्टिलिटी प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ेगा, वाओ, ओके, सक्सेस इन लव, हार्मनी इन रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, तो ये आप रिसीव करने वाले हैं, मैं आपको वही बोल रही थी। एंड यहां पर है फेमिनिन एनर्जी,
प्रपोजल ऑन वे न्यू पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप. तो ये आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में. एंड देन यू हैव मैरिज में टेक प्लेस सून ऑस्पिशियस फंक्शन एंड एनरिच्ड बॉन्डिंग. ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने अभी आपको बताया था. लव लीफ भी यहां पर है. थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली सडन लव, जो कि मैंने आपको बोला था कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये सब कुछ आप रिसीव करने वाले हो. ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको पसंद आई हो. अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर, लव यू, बाय बाय.